بسم الله الرحمن الرحيم. My dear students and their parents, السلام عليكم ورحمة الله. I am Afia Khan, daughter of Kamruddin Khan Gadi. Recently, I have joined Ibn Sina Science Secondary School, Kot Addu, as a coordinator. Alhamdulillah, मुझे फख्र है कि मुझे न्यू इब्न सीना साइंस सेकेंडरी स्कूल की खिदमत करने का मौका मिला है, जहाँ से मैंने अपनी तालीम हासिल की थी. मेरा यकीन है कि स्कूल लाइफ का जो सफ़र है वो एक नहायत ही ख़ास सफ़र है, जहाँ से पूरी ज़िंदगी का तायुन होता है. अपने कल को बेहतर करने के लिए हमें अपना आज संवारना होगा. डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको बताना चाहूँगी कि व्हाट इज़ ड्रीम, व्हाट इज़ एम. ड्रीम इज़ अ कंडीशन टू गेट द डेस्टिनेशन. जिस शख्स या तालिबे इल्म का कोई ख्वाब या कोई मकसद नहीं होता, क्या वो पूरा हो सकता है? नहीं, क्योंकि जब मकसद ही नहीं है तो वो क्या पूरा होगा. सो Dream big. Dream is a best friend. Dream is a guiding star. यहां मैं आपको एक शेर सुनाना चाहती हूं. इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर हो. इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर हो. तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते. Life is a journey of learning, so maximize your learning. अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह तपना भी सीखें. और एक बात याद रखें, कभी मायूस नहीं होना. If plan A did not work, the alphabet has 25 more letters, so stay cool. अगर अंडे को बाहर से तोड़ा जाए तो उसके अंदर मौजूद जिंदगी खत्म हो जाती है. अगर ये अंदरूनी ताकत से टूटे तो एक नई जिंदगी पैदा होती है. और याद रखना, अजीम चीज़ें हमेशा अंदर से शुरू होती हैं. हालात चाहे कैसे भी हों, आप अपने अंदर का जज्बा, अंदर का मकसद कभी ख़त्म नहीं होने देना. इंसान होना हमारा इंतखाब नहीं है, बल्कि ये कुदरती अता है. लेकिन अपने अंदर इंसानियत पैदा करना, इंसानियत अपनाए रखना, ये हमारा अपना इंतखाब है. मंजिलें हमेशा बहादुरों का इस्तकबाल करती हैं, बुजदिलों को तो रास्तों के खौफ ही मार देते हैं. मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ, इंशाल्लाह मेरी और मेरी टीम की कोशिश है कि हम ना सिर्फ अपने स्कूल की तालीमी फजीलत को आगे बढ़ाएं, बल्कि अपने तलबा को उम्र भर सीखने के काबिल बनाएं. इन नाउडेज सिचुएशन वी आर वेरी कीन कि हम किस तरह से अपने स्टूडेंट्स के लिए बेहतर कर सकते हैं, जिसमें रोज़ाना की बुनियाद पर ऑनलाइन लेक्चर्स, वीकली टेस्ट सिस्टम, फॉलो अप वगैरह शामिल हैं. जबकि जूनियर ब्रांच के लिए हम रोज़ाना की बुनियाद पर ई लर्निंग प्रोग्राम के थ्रू, जो हमारे इब्न सीना स्कूल ने ई लर्निंग प्रोग्राम शुरू किया है, उसके थ्रू हम लोग डेली एक्टिविटीज़ सेंड करते हैं और वो बच्चों से हम करवाते भी हैं. उन्हें मोटिवेशनल लेक्चर्स दे के उन्हें कहते हैं कि आप अपने घरों में बैठ के उन्हीं को फॉलो करते हुए, जो हमारी टीम एक्टिविटीज़ बना के उनको भेज रही है, उन्हें फॉलो करें और अपने बच्चों से, पेरेंट्स अपने बच्चों से करवाएं और फिर हमें फीडबैक भी दें, ताकि बच्चे मोबाइल्स पे बिला ज़रूरत गेम्स खेलने में, कार्टून देखने में बिजी ना रहें. आजकल जो हालात हैं इसके मुताबिक तो मोस्टली वालिदैन भी बच्चों को मोबाइल दे देते हैं ताकि वो मसरूफ़ रहें और घर में खामोशी रहे. मगर ये खामोशी आपके लिए उस टाइम सुकून का बाइस बन रही होती है, उन बच्चों के लिए
फ्यूचर में इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकती है और कल को वालिदैन और असातिज़ा के लिए लम्हा फिक्रिया बन जाएगी अगर हमारे बच्चे ऐसी फजूल गेम्स में लगे रहे जिसमें मार कुटाई एग्रेशन गुस्सा शो किया हुआ है, बच्चे उसमें लगे रहेंगे और उनका माइंड सेट वैसा ही प्रिपेयर होता रहेगा। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन से और इस तरह की एक्टिविटीज़ और ऐसे कार्टून से दूर रखें जो उनकी पर्सनैलिटी को तबाह करने में लगे हैं। सो हमारी टीम जो एक्टिविटीज़ भेज रही है, आप कोशिश करें उनको फॉलो करें, वैसे करवाएं। बहुत से वालदैन हमें फीडबैक दे रहे हैं, अपने बच्चों को घरों में एक्टिविटीज़ करवा के वापसी हमें भेज रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी एफर्ट है। हमारे मामला हमारे अख्तियार में नहीं हैं, मगर जिस ज़ात के अख्तियार में हैं वो बड़ा रहीम और करीम है। दुआ है रब्बे करीम से अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के सदके आप सब पर हम पर हमेशा मेहरबान रहे, आमीन। इंशाअल्लाह बहुत जल्द अल्लाह पाक हमें इस वबा से निजात अता फरमाएंगे और हम अपने बेहतर सफ़र की तरफ फिर से रवा दवा होंगे। योर फेथ इन अस इज़ आर ड्राइविंग फोर्स। इंशाल्लाह इब्ने सीना स्कूल के तलबा में आपको कॉन्फिडेंस, करेज, रेस्पॉन्सिबिलिटी, लॉयल्टी और डिसिप्लिन मिलेगा जो स्कूल की बुनियादी तालीमात का हिस्सा है। आखिर में मैं अपने डियर स्टूडेंट्स से एक शेर कहना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग अपनी ज़िंदगी को इसके मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, डियर स्टूडेंट्स, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। तो न्यू इब्न सीना साइंस सेकेंडरी स्कूल कोटद्दू के बच्चों, आप सबको अभी इन आखिरी अल्फाज के साथ इख्तिताम करना चाहूँगी आपके साथ। अपनी नेक दुआओं में अपने असातिज़ा कराम को, अपने इदारे को, अपने डायरेक्टर साहब, प्रिंसिपल साहब और उनकी फैमिलीज़ को याद रखिएगा, नेक दुआओं में ज़रूर शामिल रखिएगा हमेशा। अपने लिए भी दुआएं किया करें, अपने वालिदैन के लिए भी। अल्लाह हाफिज़।